नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं वृश्चिक राशि के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। उसका स्वभाव कैसा होता है, उसको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ करियर बनाना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए और कुछ रहस्य, कुछ सीक्रेट बातें भी आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ और क्या उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि के जातकों को, जिससे उसका जीवन सुखद प्राप्त हो। दोस्तों, वृश्चिक राशि आठवीं राशि है, उसके स्वामी मंगल देव है और वो सेनापति ग्रह माने गए हैं, जल तत्व की राशि मानी गई है। वृश्चिक राशि के स्वभाव के बारे में चर्चा कर तो पहला ये गुण है कि उसको कोई भी कार्य में चलते रहना, कड़ी मेहनत करना। जल तत्व राशि है तो कोई भी कार्य में वो कभी भी जीवन में मना नहीं करेंगे। लेकिन अवगुण की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातक के जीवन में निर्णय लेना बहुत ही कठिन रहता है। कोई भी कार्य करे उस कार्य में अक्सर निर्णय लेने में बड़े पीछे रह जाते हैं। फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी निर्णय लेके आगे बढ़ना उसकी कमजोरी रहती है, ये भी देखा गया है। लेकिन दिल के बहुत ही रोमांटिक होते हैं, साफ दिल रहता है, दूसरों के केयर करने में वो माहिर रहते हैं। यह भी देखा गया है कि अपने जीवन में आगे बढ़ना उसको पसंद रहता है। लेकिन अवगुण की बात करें तो आलस भी रहता है, ज्यादातर देखा गया है किसी भी काम में लेट हो जाते हैं, समय के साथ चलना उसके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि अगर किसी के साथ दुश्मन हो जाए तो अगर दुश्मन होने के बाद उसके साथ बैर करना, बैर का बदला लेना वो अक्सर जानते हैं। क्योंकि दोस्तों वृश्चिक राशि के जो चिन्ह है वो बिच्छू है। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि वृश्चिक राशि के सामने कोई बैर करना नहीं पसंद है, वो राशि ऐसी है किसी के साथ बैर नहीं करते। लेकिन बैर कर लिया तो समझ लिए कि अगर शत्रु को पराजित करना एक लक्ष्य बन जाता है, इसका स्वभाव ऐसा रहता है। दोस्तों ये तो मैंने उसके स्वभाव की बात की है, कुछ सीक्रेट कुछ रहस्य की बात करें, लेकिन उनसे पूर्व मेरे एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो मैं सारी बातें रख रहा हूं आपके सामने कि आपके जीवन में ये सब कुछ हो गया है या आपके जीवन में आप अनुभव कर रहे हैं, ये बात भी शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों ये सारी बातें मैं चंद्र राशि के आधार पर रख रहा हूं, आपके जन्म के ग्रह कौन सी स्थिति में मैं नहीं जानता। सभी के ग्रहों की स्थिति जो शुभ भी रहती है अशुभ भी रहती है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो यहां नंबर दिया गया है, उस नंबर में संपर्क करें। ज्योतिष देखने का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है तो आप अपना नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे, आपको कुंडली बना के बताया जाएगा। आपकी कुंडली के आधार पर आपको शास्त्रोक्त उपाय बताए जाएंगे, आपको सरल उपाय बताए जाएंगे। साथ ही दोस्तों कुंडली का आपको पूरा विश्लेषण कर दिया जाएगा। लेकिन पहले आपको सुनिश्चित दक्षिणा भेजनी होगी, फिर आपकी अपॉइंटमेंट ली जाएगी। दोस्तों अब बात करें हम कुछ रहस्यों की, कुछ सीक्रेट की बात करें कि वृश्चिक राशि में ये क्या रहस्य रहता है। अगर आपको वृश्चिक राशि को जानना है तो इस रहस्य को जानना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप वृश्चिक राशि के जातक को जान पाएंगे। फिर दोस्त हो, प्रेमी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अगर ये 5 रहस्य आपने जान लिए, कुछ रहस्य है आपने जान लिए, तो समझ लिए आपने वृश्चिक राशि को जातक को जान लिया है। पहला रहस्य यह है दोस्तों, अपनी बात किसी को बताने में बहुत ही कहा जाए वो नहीं जानते, अपना मुख है स्मित रखते हैं, स्माइल रखते हैं, अपने जो दिल में क्या है वो दिल की बात अक्सर मुंह में आनी जरा मुश्किल लगती है। इसलिए अगर जब तक आप उसके दिल में नहीं जाएंगे
तब तक उसकी बात आप नहीं जान पाएंगे। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक को प्रेम करते हैं तो आप उसके दिल में जाइए, तभी उसकी बात जान पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो दिल में रहता है वो मुंह में या मुख में नहीं रहता। अगर दिल में कुछ दुख है तो मुंह में स्माइल आ जाएगी, हंसी आ जाएगी, लेकिन बताते नहीं है। ये पहला रहस्य है दोस्तों। दूसरा रहस्य है वो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। सामने वाला अपना शरीर का ध्यान रखे या ना रखे, अपने शरीर का ध्यान पूरी तरह रखते हैं दोस्तों। अगर कहा जाए श्रृंगार का हो या किसी भी तरह हो, अपने शरीर का ध्यान रखने में वो माहिर रहते हैं। दूसरा ये रहस्य है। तीसरा रहस्य है दोस्तों, लीडरशिप उसको बहुत पसंद है। साथ ही सामने वाला कुछ भी उसको कहे वो पसंद नहीं आता, वो आगे बढ़ना या आगे रहना उसको पसंद रहता है। लेकिन एक बात यह भी है, ये भी गुण अवश्य दूर करना चाहिए, अवगुण है दोस्तों। सामने वाले की बात समझना बहुत ही आवश्यक है। सामने वाले की बात वो नहीं समझते, फिर बाद में प्यार करते हैं, दोस्ती में है या पत्नी है या पति है, अक्सर उसको जो प्रेम होना चाहिए उस प्रेम नहीं मिल पाता है, यह भी देखा गया है। जो चतुर्थ सीक्रेट है दोस्तों, यह है कि वो निडर तो रहते हैं लेकिन कहां दिखावा करने में। कहते हैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे तो निडरता से करे, लेकिन नहीं, उसका दिल साफ होने के कारण वो कहते हैं कि मैं निडर हूं, इतना निडर नहीं रहते है। वो घबराते भी है, वो घबराहट महसूस करते हैं, वो चिंता महसूस करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। पांचवा सीक्रेट दोस्तों ये है, किसी भी काम में जल्दबाजी बहुत करते हैं। कोई भी कार्य करे शीघ्रता से कर लो, जब तक वो काम ना हो जाए तब तक उसको शांति नहीं मिलती, यह भी देखा गया। काम करना अच्छी बात है लेकिन साथ साथ जल्दबाजी करना वो गलत बात है। ये पांच सीक्रेट उसमें देखे गए है, ये रहस्य उसमें देखे गए है। कुछ गुण भी है, कुछ अवगुण भी है। जो अवगुण है उसको दूर अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों कैरियर की बात करें, किस में फील्ड में जाना चाहिए जिससे उसकी उम्मीदें पूरी हो, या ऐसा कहा जाए उसको सफलता मिले। अक्सर देखा गया है कि उसका जो राशि स्वामी मंगल देव है वो सेनापति ग्रह माना गया है। अगर आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे तो उसको लाभ मिल सकता है। दशम भाव को गिने, वो कैरियर का भाव माना गया है, तो खाने के लिए रेस्टोरेंट कोई करे अच्छा रहेगा। साथ ही जमीन से कोई जुड़ा हुआ अगर कोई बिजनेस करे तो उसके लिए अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही दोस्तों केमिकल लाइन में अगर वो जाएंगे, टेक्निकल लाइन में वो जाएंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वो जाएंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा। साथ ही आईटी में जाएंगे उसके लिए अच्छा परिणाम मिलेगा। फर्नीचर में कोई काम करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा दोस्तों। कुछ मैंने या ऐसी कंपनी हो उस कंपनी में जुड़ जाए, पेट्रोल की कंपनी हो, केमिकल की कंपनी हो, तो उसमें जुड़ जाएंगे तो नौकरी में उसको जरूर अच्छा परिणाम मिल सकता है दोस्तों। अब मैं उपाय आपके सामने रखने वाला हूं कि वृश्चिक राशि के जातक के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। क्या उपाय है? मंगलवार से आरंभ करना है, आपको प्रतिदिन हनुमान जी महाराज का दर्शन करें, और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी महाराज का दर्शन तो करें, वह सिंदूर अवश्य चढ़ाइए, केला अवश्य चढ़ाइए, साथ ही लड्डू भोग आप अर्पित जरूर करें। और मंगलवार के दिन दोस्तों हनुमान जी महाराज के मंदिर हो सके तो वहां भी बैठ जाइए, अगर वहां जगह नहीं है तो अपने घर आ जाइए, उत्तर दिशा में बैठ जाइए और सात हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही आपके राशि स्वामी का प्रतिदिन एक माला करेंगे तो अच्छा रहेगा, ओम त्राम क्रीम क्रोम शह भौमाय नमः, इस मंत्र के प्रतिदिन माला करें। मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। ऐसे ही सारी जानकारी पूरा संशोधन करके आपके सामने में रखता रहूंगा। आप जिस भी माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। साथ ही YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मुलाकात होगी, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण महादेव।